उनकी लाशों को लटका के रखा और इतना ही नहीं परिवार के लोगों ने जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि कई घंटे तक उनकी बच्चियों की लाशों को लटका के रखा और उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये जितना भी कसूर है आप अपने ऊपर ले लो और इतना ही नहीं उन बच्चियों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी जो दोषी लोग थे उनको बचाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी। तो इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। हालांकि जैसे मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने अपनी पार्टी के विधायक जो इस क्षेत्र के विधायक है और जिस पिछले वर्ष से शाक्य समाज से ये दो बच्चियों की जो हत्या की गई बलात्कार करने के बाद उसी समाज के हमारी पार्टी के ये विधायक है इसी क्षेत्र से, तो ये लखनऊ में थे, इनको तुरंत इधर भेजा गया और इन्होंने इस मौके को आकर संभाला। और इसके बाद मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्या और दूसरे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने यहाँ पर मौके पर भेजा और मैंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लखनऊ में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मैंने मांग की। हालांकि इस मामले को कल दोपहर तक इस मामले को सपा सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में थी कि ये मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली ये सीबीआई जांच के मामले को ये ठंडे बस्ते में डालने वाले हैं तो मैंने फिर इधर तुरंत ही यहाँ पर इस गांव में आने का फैसला लिया। और जैसे ही सपा सरकार को ये मालूम पड़ा कि मैं इस गांव में आ रही हूँ तो उन्होंने फिर सीबीआई से जांच कराने के उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन अभी उन्होंने ये सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है नहीं भेजी है तो ये तो अभी हमें नहीं मालूम है, केवल उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि यहाँ इस गांव में आकर जो मैंने पीड़ित परिवार के लोग हैं और भी जो उनके समाज के लोग हैं, आसपास के गांवों की भी महिलाएं आई हुई थी, तो कई ऐसे वाक्य हुए हैं तो जहाँ पर किसी का बच्चे को मार के जमीन में दबा दिया, बच्चे को उठा के लेके गए, औरत के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, बहुत बुरा हाल है ये पूरे बदायूं जिले के अंदर। बदायूं जिले नहीं, इस जिले को देखकर तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। और जो अपराधी लोग हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो वो खुलेआम जो गरीब लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं, चाहे बैकवर्ड क्लास के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे सुल कास्ट के हैं, जो भी गरीब लोग हैं उनका जीना इस सरकार में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मेरा यही कहना है मीडिया के माध्यम से सपा सरकार को कि इनको जो अपराधी किस्म के लोग हैं तो विशेष अभियान चलाकर उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें और ये जो पीड़ित परिवार है इनको उचित सुरक्षा प्रदान करें।